आज हम टॉपिक 3.2 के फर्दर सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जिनमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है मास एंड वेट, एंड सेकंड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मास एंड वेट जो है वो दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें मास एंड वेट में। तो स्टार्ट हम मास से लेते हैं। तो अमूमन जो है वो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को सिमिलर ट्रीट करते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों के दरमियान देखते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। क्या इस बात को समझने के लिए ये इस फिगर को देखें। ये फिगर मैटर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रही है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया कि कोई मैटर है, और मैटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम नाम देते हैं एटम्स का, ठीक है। उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम्स का। और जो है मैटर में जो एटम्स की तादाद होती है वो डिफरेंट हो सकती है, और जो है उसमें स्पेस भी एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सॉलिड लें तो सॉलिड की कंपोजिशन डिफरेंट होगी, इसी तरह लिक्विड और गैसेस की जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होगी। तो जो मास है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड करता है मैटर की कंपोजिशन पे, ठीक है, कि मैटर के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनकी तादाद क्या है, वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान क्या फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और उनके दरमियान स्पेस क्या है, ठीक है, कितने फासले पे वो एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। पहला डिफरेंस वेट को देख लें। तो वेट जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो मास जो है प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किसी बॉडी का जो मास है वो डिपेंड करता है उससे मौजूद एटम की तादाद पे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप स्पेस में आप चले जाएं तो वहाँ पे मैटर की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, या उससे मौजूद जो एटम्स हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए प्लेस टू प्लेस जो मास है वो वेरी नहीं करेगा। जबकि इसके बरक्स जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, यानी वैल्यू ऑफ जी पे, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाएंगे तो ये जो जी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, तो यूँ वेट भी वेरी करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों के दरमियान कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मजीद आगे चलें तो मास को मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, और वेट को जो है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर किया जाता है। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, जबकि जो वेट का यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। अब न्यूटन क्यों है? क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। अब एक इक्वेशन के थ्रू मास एंड किसी बॉडी के मास और उसके वेट को रिलेट किया गया है, वो इक्वेशन है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि किसी बॉडी का जो मास है वो डिपेंड करता है उस बॉडी के सॉरी किसी बॉडी का जो वेट है वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे और वैल्यू ऑफ जी पे। नाउ वी हैव टू स्टडी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का लाजमी तौर पे कोई ना कोई रिएक्शन होता है, लेकिन एक्शन रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा ओपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्शन एंड व्हाट इज़ रिएक्शन। इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि कोई सी दो बॉडीज़ हैं, तो जो फर्स्ट बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी किसी दूसरी बॉडी पे उसको हम एक्शन का नाम देते हैं, और जो फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे अप्लाई करेगी उसको हम रिएक्शन का नाम देते हैं। इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है।
फर्स्ट एग्जांपल जो है वो एक बुक किसी टेबल पे पड़ी हुई है। बुक अब टेबल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी वेट की वजह से एक फोर्स अप्लाई करेगी जिसको हम नाम देते हैं एक्शन का। इसके बरक्स टेबल भी बुक पे ऊपर की जानब एक फोर्स लगाएगा जो कि होगा टेबल का रिएक्शन। तो यूं चूंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड हैं और अपोजिट डायरेक्शन है तो ये बुक जो है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल है एयर फिल्ड बैलून। अब आप एक गुब्बारा अगर आप लें, उस गुब्बारे में आपने हवा भरी है, तो जब तक आपने उसकी नोक को पकड़ा हुआ है वो रेस्ट कंडीशन पे ही होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं गुब्बारे को, तो आप देखेंगे कि गुब्बारे के पीछे से हवा बाहर निकलना शुरू हो गई है और गुब्बारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। जैसा क्यों होता है? तो ये भी जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, उसके मुताबिक उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। तो होता यूँ है कि जो गुब्बारा है वो हवा पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से हवा जो है पीछे की तरफ निकलती है, और हवा रिएक्शन के तौर पे गुब्बारे पे भी एक फोर्स लगाती है, और इसी वजह से गुब्बारा जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को बे करी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो रॉकेट। तो रॉकेट में एक्चुअली होता यह है कि कंबस्टिबल गैसेस को जलाया जाता है, ठीक है। फ्यूल यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? गैसेस। तो जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है, अब रॉकेट में क्या होगा कि उसकी टेल से हवाएं स्कैप आउट होंगी पीछे की जानब, और रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अब रॉकेट ने उन गैसेस पे एक्चुअली एक्शन लगाया, ठीक है, एक्शन की फोर्स एग्जर्ट की जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो टेल से स्कैप आउट हुई पीछे की जानब, और उसके रिएक्शन के तौर पे गैसेस ने भी एक फोर्स लगाई रॉकेट पे। तो यू रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा।